में आगे बढ़ते हैं। यूपी के कई जिलों में भारी बारिश हो रही है। बारिश से जगह जगह जलभराव की भी समस्या सामने आ रही है। आने जाने वाले लोगों को परेशानी हो रही है। मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। बात करें लखनऊ की तो यहाँ भी तेज बारिश ने प्रशासन के दावों की पोल खोल दी। यहाँ जगह जगह जलभराव की स्थिति दिख रही है। बस्ती महाराजगंज सिद्धार्थनगर में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। उधर गोंडा बलरामपुर श्रावस्ती में भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। बहराइच लखीमपुर खीरी फरुखाबाद में भारी बारिश का अलर्ट है। कन्नौज बाराबंकी आगरा फिरोजाबाद मैनपुरी में भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। तस्वीरें देखकर आप ये अंदाजा लगा सकते हैं किस तरह की प्रशासन की तैयारी है। मॉनसून को देखते हुए प्री मॉनसून बारिश ने ही प्रशासन के दावों की पोल खोल कर रख दी है। किस तरह से ये सड़कें तालाब बन गई हैं, ये तस्वीरों के जरिए आप देखिए। लखनऊ की हम आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं। हालांकि मौसम विभाग ने अभी फिर से पूर्वानुमान जताया है। मौसम को देखते हुए बारिश की संभावना जाहिर की गई है। भारी बारिश का अलर्ट भी जारी किया है कई जिलों में। उत्तर प्रदेश के आपको स्क्रीन पर बता रहे हैं कि कहां कहां पर मौसम विभाग की तरफ से भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया, जिसमें कन्नौज है, बाराबंकी भी शामिल है। पहली बरसात के बाद ही राजधानी लखनऊ में जलभराव की स्थिति दिखाई पड़ने लगी। लोगों को बारिश से राहत तो मिली, लेकिन जलभराव ने उनकी मुश्किल को बढ़ा दिया। राजधानी लखनऊ में कल देर रात से लगातार तेज बारिश हो रही है और तेज बारिश की वजह से अब जलभराव की स्थिति भी दिखाई पड़ रही है। राजधानी लखनऊ के गोमती नगर में रेलवे ब्रिज के नीचे आप तस्वीरें देख सकते हैं कि यहां पर पहली बारिश में ही जलभराव की स्थिति हो गई है। तमाम जो लोग हैं वो इस रास्ते से गुजरने के लिए मजबूर हो चुके हैं। ऐसे में कहा जा सकता है कि फिलहाल यहां पर जो तमाम लोग गुजर रहे हैं उनसे हम बात भी करते हैं। कितनी दिक्कत हो रही है आप लोग, पहली बारिश हुई है और जलभराव हो गया है? जी दिक्कत तो आई है क्योंकि पानी हमेशा ही बह जाता है। कल रात में पानी गया, उसके बाद से पानी बह जाता है यहाँ पे ज्यादातर। तो आप लोग बाइक निकलते हैं, डर नहीं लगता है कि गिर जाएंगे? क्या मान लीजिए कार वाले हैं तो बहुत लोग तेज निकालते, छीप देते हैं, और नहीं अगर जो जानता है स्लो कर लेता तो हम लोग निकल जाते धीरे से। दिक्कत होती है क्या है? तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इस पूरे रास्ते पर जो जलभराव है वो हो चुका है, जिसकी वजह से तमाम जो लोग हैं खास तौर से जो मोटरसाइकिल सवार हैं उनको काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं। इसके साथ साथ तमाम जो लोग हैं जो इस रूट पर रोजाना निकलते हैं उनसे बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? गोपी यादव। ये बताइए कि आप लोग इधर से आ रहे हैं, कितनी दिक्कतें हो रही हैं? ये हमेशा ऐसी प्रॉब्लम होती, बारिश जब आती है तो इतना इतना पानी भर जाता। बहुत सारे जो टहलने वाले लोग हैं उनको इतनी दिक्कतें आती हैं, वो घूम के इतनी दूर से आते हैं। जो ये पहला सेकंड गेट नंबर है जनेसर का, इससे आराम से लोग पहुंच जाते हैं। इसके बाद फिर उनको घुमाव बहुत लेना पड़ता, फिर वो मन बनाते वापस चले जाते हैं घर। दुर्घटनाएं भी होती होंगी क्योंकि पानी जब होते हैं गिर जाते हैं लोग। अब इतने इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं, अगर बाइक में आप चले जाएं आपको अंदाज़ा नहीं है तो गड्ढे में गिर जाएंगे आप। अभी ये पानी कम होगा इसमें गड्ढे दिखेंगे आपको। ये प्रॉब्लम इतनी प्रॉब्लम तक जब बारिश होती तो इतना इतना पानी भरा रहता है यहाँ, आज की बात नहीं है, हमेशा ये प्रॉब्लम होती है। तो आप देख सकते हैं कि फिलहाल ये पहले दिन की बारिश के बाद जो आलम है वो यही है कि यहाँ पर आप तस्वीरें देख सकते हैं कि इस पूरी रोड पर जो जलभराव है वो आपको दिखाई पड़ेगा। और फिलहाल ये कह सकते हैं कि बारिश ने लोगों के लिए थोड़ी सी राहत तो जरूर दी है, लेकिन जलभराव की स्थिति के बाद लोगों की मुश्किलें अब बढ़ती हुई राजधानी लखनऊ में दिखाई पड़ रही है। कैमरामैन गिरीश के साथ विशाल लघुवंशी, जी मीडिया लखनऊ। राजधानी लखनऊ में पहली बारिश के बाद ही जलभराव की स्थिति हो गई है। हम इस वक्त जनेश्वर मिश्र पार्क के एक रेलवे ब्रिज के पास मौजूद हैं और आपको मैं तस्वीरें दिखा देता हूं कि जनेश्वर मिश्र पार्क के दो नंबर गेट के ठीक सामने यहां पर जलभराव हो गया है, जिसकी वजह से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। तमाम जो वाहन चालक हैं वो या तो रूट बदल रहे हैं या तो अपनी जान को जोखिम में डालकर इस रास्ते से गुजरने को मजबूर हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ पर तमाम जो वाहन चालक हैं वो इसी जलभराव वाले रास्ते से गुजरकर निकलने के लिए मजबूर होते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल राजधानी लखनऊ में कल देर रात से ही बारिश हो रही है और अब फिलहाल जलभराव की जो तस्वीरें हैं वो सामने आ रही हैं। ऐसे में नगर निगम ने जो दावे किए थे उन दावों की हकीकत इन तस्वीरों से खुलती नजर आ रही है। कैमरामैन गिरीश के साथ विशाल लघुवंशी, जी मीडिया लखनऊ।